नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लीला जी सर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बेहतरीन खस्ता नमक पारा बनाने की रेसिपी। तो खस्ता नमक पारा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, 5 से 6 टेबल स्पून तेल और आटा गूंदने के लिए पानी। तो सबसे पहले हम मैदे को एक बाउल में लेंगे। उसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 5 से 6 टेबल स्पून तेल डालेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे। आप जितना अच्छे से मिलाएंगे नमक पारा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदना शुरू करेंगे। आटे को भी अच्छे से मसलना है। अब उस पर थोड़ा सा तेल डालकर उसे फिर से अच्छे से मसलेंगे। अब गूंथे हुए आटे में से मीडियम साइज के टुकड़े कर लेंगे। उसे इस तरह से दबाकर चपटा करेंगे। अब हम चकला लेंगे, नुई को उस पर अच्छे से बेलेंगे। हमने उसे अच्छे से बेल लिया है। अब उस पर कटर से कट लगाएंगे। ये छोटे छोटे टुकड़ों को हम एक प्लेट में ले लेते हैं। उसे आप एक दूसरे पर रख सकते हैं, वे चिपकेंगे नहीं। इस तरह से राउंड शेप में भी आप उसे कट कर सकते हैं। हमने पतली स्लाइस में भी उसे कट किया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल गरम करने के लिए डालेंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हमारे टुकड़े उसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और उसे अच्छे से हिलाते हुए फ्राई करेंगे। उस पर थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। हमारा खस्ता नमक पारा तैयार हो गया है। अब हम उसे बाहर निकालेंगे। उसी तरह से हम सारे टुकड़ों को फ्राई करेंगे। तो हमारा बेहतरीन खस्ता नमक पारा सर्व करने के लिए तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों।